ब्लॉग कपिलक्ष फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है सावन मास का दूसरा सोमवार, तो आज हमारा व्रत है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। कपिल जी पूजा कर रहे हैं और कायरा भी तैयार हो चुकी है और गुरु जी का आशीर्वाद भी ले लिया हमने। तो बने रहिए ब्लॉग में, जो भी होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे और अभी मंदिर जाएंगे। तो कायरा ये खड़ी, तो बनी रही ब्लॉग में। जब कायरा किसी हीरोइन बन गई है। और तो गाइस ये रहे गुरुजी, आशीर्वाद ले लो जिसको आशीर्वाद लेना है। गुरुजी का ये सबको आशीर्वाद देते हैं और प्यार ही प्यार बांटते हैं। गाइस मैं भी तैयार हो चुका हूँ और अब रक्षा नीचे जा चुकी है और मैं भी चलता हूँ नीचे। मंदिर जा रहे हैं हम। जैसे कि रक्षा ने आप लोगों को बता ही दिया कि आज दूसरा सोमवार है सावन का, तो आज के दिन हमारा फास्ट ही है। तो चलते हैं भोले बाबा की पूजा अर्चना करने। तो यहाँ रक्षा पहले से रेडी है मेरे लिए, चलते हैं मंदिर। आ गए हैं मंदिर। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम आगे थे अपनी पीछे बैठ रही है मम्मी, साथ में बैठ रही है। मम्मी की कल तबीयत है, बस रात से तो ठीक है। दवाई ला दूं? दवाई सो गाइस हम आगे थे ऊपर और फटाफट से मैं हो गया हूँ रेडी काम पे जाने के लिए, क्योंकि बाहर मौसम भी बारिश वाला हो रहा है और फुल गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पसीने बहे जा रहे हैं और बारिश वाला बाहर मौसम हो गया। इतनी तेज़ बारिश, धूप निकल रही थी बाहर और अब हो रहा है मौसम चेंज। तो जल्दी से मैंगो शेक पीते हैं क्योंकि रक्षा जी ऑलरेडी तैयार करके रखती है। ऐसे हम मंदिर जाएं और आते ही हमें मैंगो शेक मिल जाए, क्योंकि मुझे निकलना होता है। बढ़िया, इससे क्या रहता है मैंगो शेक से कि हमारा पूरा दिन पेट भरा भरा सा रहता है, भूख नहीं लगती है और साथ के साथ फल का भी हो जाता है हमारा। और यहाँ कायरा पुलिया खाती हुई, जल्दी से इसे पीते हैं और निकलते हैं अपने काम पे, पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो यहाँ कायरा के पास भी आ गया है मैंगो शेक। कायरा कैसा है? यम्मी है। तो गाइस चलते हैं, अपना तो हो गया, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। चलो रक्षा में जा रहा हूँ यार, बारिश आने वाली है यार, बहुत तेज वाली। चलते हैं, चलो
सो गाइस मैं आ गया था शॉप पर और घर पर देख लेते हैं रक्षा क्या कर रही है। मैं आया था जामुन वाला और कारण है जिद कर ली जामुन खाने हैं तो गाइस उसके लिए मैंने जामुन लिए और इसको जामुन खाने भी नहीं आते हैं कैसे खाते हैं तो दिखाती हूँ आपको जामुन खाते हुए उसे। तो गाइस देखिए कायरा खा रही है और देखते हैं अच्छे से गिटली खा पाती है गिटली निकाल पाती है नहीं निकाल पाती जामुन इसको खाने आया है नहीं आया है तो बने रहिए ब्लॉग में बताऊंगी आपको। तो गाइस शाम का समय हो चुका है आज वैसे बता दिया था सुबह मैंने आपको कि आज बैठते तो बना रही थी पराठे तो व्रत खोलने के लिए बना रही थी दही पराठे तो कपिल जी के लिए बना के रख दूंगी। मैंने उनसे पूछा फोन करके तो कह रहे बना के रख देना फिर मैं बना के रख दूंगी क्योंकि मुझे नीचे जाना है व्रत खोल के जाएंगे नीचे क्योंकि आज वो लेट आते हैं तो थोड़ा टाइम भी कट जाता है नीचे चले जाते हैं तो सौंप बाजार है आज ऑब्वियसली जाती हूँ आपको बताइए। तो कायरा मेरे पास ही खड़ी है भाग गई अंदर पापा वाला सॉन्ग आया ना तो चलिए गाइस बने रहिए ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। सो गाइस देख सकते हो आप एक बार और डॉक्टर कायरा आ गई है। डॉक्टर कायरा क्या कर रहे हो हैं डॉक्टर कायरा क्या कर रहे हो देखो इधर। तो डॉक्टर कायरा अपना सामान कलेक्ट कर रही है फिर ट्रीटमेंट देंगी ये अपनी डॉल को ठीक है। डॉक्टर कायरा एक बार देखो ना मेरी क्यूटी सी डॉक्टर कायरा। तो गाइस देख सकते हो मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है छोनी छोनी सी डॉक्टर नहीं लग रही है स्टेटोस्कोप लगा के चश्मा लगा के। तो चलिए गाइस बनिए रहिए ब्लॉग में दिखाते रहेंगे आपको जो भी होता रहेगा। गाइस हो गया था शाम का टाइम और लग रही है मुझे जबरदस्त वाली भूख और ये बंदा मेरे सामने ही खाने में लगा हुआ है दिखा दिखा कर खा रहा है मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है आज फास्ट है तो देखते हैं कि कब तक कंट्रोल होता है। तो फ्रेंड्स मैं आ गया था अपने घर पर और मम्मी से मिल लेते हैं पूछ लेते हैं उनकी तबीयत कैसी है। सो गाइस मैं जैसे ही अंदर आया था तो यहाँ रक्षा और मम्मी साथ में बैठी हुई थी और पता नहीं मेरी आवाज़ कैसे फ़ोन की म्यूट हो गई थी तो आवाज़ आ नहीं पाई तो मैं मम्मी से पूछा था मम्मी तबीयत कैसी है तो मम्मी बोल रही थी पहले से बेटर फील कर रही हूँ बस थोड़ी बहुत अभी खांसी है मुझे तो अभी थोड़ी दवाई वगैरह खा रही हूँ तो ठीक हो जाएगी। तो गाइस यहाँ चल रहा है हमारा व्लॉग वो कायरा बड़ी ध्यान से देख रही है गाइस ये बोल रही है कि मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो ऐसे लग रही है भूख बहुत तेज अब इसकी मम्मा इसके लिए दूध लेने गई है ला रही है मम्मा लेके आ रही है मम्मा से लेके आ जा ये देखो कितने ध्यान से देखो। तो फ्रेंड्स कायरा ने लाइट ऑफ करवा दी थी हम लोगों से तो मैं ज़्यादा उसके बाद ब्लॉगिंग कर नहीं पाया। रक्षा लेटी हुई है और साथ में कायरा है तो
यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग कर रहा था राइट में, और क्योंकि मुझे ये ब्लॉग का एंड भी करना था तो आगे देखिए। तो गाइस कायरन ने हमारा लाइट जल्दी ऑफ करवा दिया हमें आज, तो बाकी की ब्लॉगिंग में आपको दिखा नहीं पाया। और हमारा डिनर वगैरह हो गया था, तो आज जैसे कि आप लोगों को पता ही था हमारा फास्ट वगैरह था, तो दही पराठा ही खाना था खाने में। रक्षा कायरा की पेट पर खुजली कर रही है, कभी ये मम्मी से करवाती है कभी पापा से करवाती है। तो गाइस अभी नाइट में मेरी ब्लॉगिंग हो रही है। गाइस इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं एंड, मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के अंदर कल। प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए, और मिलेंगे आपसे दोबारा से नए ब्लॉग के अंदर। टाटा बाय बाय, और प्लीज रिस्पेक्ट ऑल वुमेन्स। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे, बाय। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and